प्रॉपर्टीज हैं। रिप्लेसमेंट बाय थायल ग्रुप, जो साल्ट है या फिर जो M2 है और इसके साथ Cl या और भी कुछ लगा हुआ है तो किसके थ्रू रिप्लेस हो जाएगा? थायल ग्रुप। थायल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? SH, जिसके साथ हो SH2। देखिए कैसे होगा, ये बेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड है, साथ में क्या लिया है KSH। KSH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। पोटेशियम हाइड्रोजन है सल्फाइड इज KSH। इससे क्या प्रिपेयर हो जाएगा? यहाँ से C6H5 हो गया C6H5 और ये ले लेंगे थायो ग्रुप SH। ये क्या बना? थायोफिनोल। थायोफिनोल प्लस में क्या निकल गई यहाँ से? N2 और क्या निकला? ये बचा हुआ है KCl। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिप्लेसमेंट बाय आर्सेनिक एसिड। आर्सेनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? देखिए AsO3H2। AsO3H2 आर्सेनिक एसिड, ये जो ग्रुप है आर्सेनिक एसिड का, ये रिप्लेस कर देगा, खुद आ जाएगा। देखिए कैसे, बेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड प्लस में क्या ले लिया? Na3AsO3 की प्रेजेंस है यहाँ पे, सोडियम आर्सेनाइड बोलते हैं इसको। Na3AsO3 को क्या बोलते हैं? सोडियम आर्सेनाइड। प्लस में प्रेजेंस किसकी है? कॉपर सल्फेट। यहाँ से देखिए बेटा C6H5 एज इट इज है और क्या लग गया? ये Na3AsO3, इसको ऐसे लिखा जाएगा AsO3 Na2 हो जाएगा यहाँ पे। और प्लस में क्या निकल गया? NaCl और नाइट्रोजन है गैस। फिर ये जो हमारे पास, इसमें अगर हम एसिड डाल दें, क्योंकि रिप्लेस कौन करेगा? आर्सेनिक एसिड ग्रुप, तो एसिड कौन से होंगे? एस पॉजिटिव जिनमें हो। अब यहाँ पर हमें इस Na को रिमूव करके हाइड्रोजन लाना पड़ेगा। क्या हो गया? C6H5AsO3 Na2 की जगह क्या आ गया? यहाँ से H2। अब निकला क्या है? दो Na यहाँ से और दो Cl यहाँ से, प्लस में 2 NaCl। एंड नेक्स्ट देखिए, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो NO2 ग्रुप। इसमें क्या लेंगे? बेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड लिया है, प्लस में HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस यहाँ पे है। निकलेगा क्या स्टूडेंट्स यहाँ से? HCl। देखिए कैसे, यहाँ हमारे पास रिंग एसिडिस N2, Cl की जगह क्या लग जाएगा? BF4। इसको बोलेंगे बेंजीन डाइसोडियम क्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइसोडियम क्लोरोबोरेट। साथ में क्या डाला है? टू स्टेप प्रोसेस हो रहा है। NaNO2 सोडियम नाइट्रेट है, कॉपर है और इसको हीट कर रहे हैं रिंग, और रिंग के ऊपर ये चीजें हटके क्या लग जाएगा? NO2। ये जो ग्रुप है यहाँ से NO2 लग गया, प्लस में क्या निकल गया? NaBF4। क्या निकला है? NaBF4 और साथ में क्या निकल गई? N2 नाइट्रोजन है गैस। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन। जैसे NCERT में देखेंगे स्टूडेंट्स कितना ये रखा है क्लोरीन, सिंपल आपको ये रिएक्शन दिखा दी। Ar एरिन डाइसोडियम साल्ट है यहाँ पे, प्लस में लेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 निकला। क्या हो जाएगा ये? क्या बनेगा? एरोमेटिक रिंग N2 और इसके साथ क्या लग गया? BF4। इसको बोलेंगे डाइसोडियम क्लोरोबोरेट, डाइसोडियम क्लोरोबोरेट, प्लस में क्या निकल गया? HCl। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस स्टेप में नहीं हो रहा, ले लेंगे डाइसोडियम क्लोरोबोरेट Ar N2 BF4। अब इसको फिर से हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे ना तो यहाँ एरोमेटिक रिंग के साथ क्या लग जाएंगे यहाँ से? क्लोरीन एराइन फ्लोराइड। अब 3 क्लोरीन और भी है साथ में, बी है BF3 निकल जाएगा और प्लस में N2, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस निकल गई और बोरोन ट्राई क्लोराइड निकल गया यहाँ से। आगे देखिए, अब इसी के मतलब सिंथेसाइज करते हैं या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आप इसको प्रिपेयर करें, देन क्या करेंगे? Na ले लिया रिंग के ऊपर NH2, साथ में क्या है? NaNO2 प्रेजेंस इसके सल्फ्यूरिक एसिड और क्या टेम्परेचर है यहाँ पे? 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर। अब टू स्टेप तो है से N2, अब देखो यहाँ से N2Cl, पहले हम बेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड प्रिपेयर करेंगे सिंपल एनिलीन से, यानी एनिलीन है इससे बेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड प्रिपेयर हो गया। प्रेजेंस किसकी है? HBF4 क्लोरोबोरिक एसिड। HBF4 क्या है? क्लोरोबोरिक एसिड। क्या बन गया? ये रिंग और इसके साथ क्या लग जाएगा?
न्यूक्ली अब फोर क्या बना है डाइसोनियम क्लोरोबोरेट, डाइसोनियम क्लोरोबोरेट, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जैसे वहां पे हिट किया, हिट करते क्या निकल जाएगा, इस रिंग के ऊपर क्लोरीन आ गया, क्लोरोबेंजीन प्लस में बी अप थ्री बोरोन ट्राइक्लोराइड और साथ में क्या निकल गया नाइट्रोजन गैस। सिक्स्थ देखिए इक्वेशन क्या है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप ओएच ग्रुप होगा, यहां पे एरोमेटिक रिंग है N2Cl, एरिथाइसोनियम साल्ट लिया है, प्लस में क्या है H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOH2 के, हमें तो OH यूज करना है यहां पे। टेंपरेचर कितना रखेंगे, अब वो 278 केल्विन से ज्यादा टेंपरेचर यहां पर होना चाहिए, तो क्या बनेगा इस AR के साथ OH लग जाएगी, क्या बोलेंगे रिंग के साथ OH लगती है, फिर नो और निकल क्या रहा है नाइट्रोजन गैस और HCl, ये H2 निकल गई और ये H इसके साथ आ गया HCl। अगर आपको बोल दिया जाए प्रिपेयर मेटा नाइट्रो फिनॉल, प्रिपेयर मेटा नाइट्रो फिनॉल तो कैसे प्रिपेयर होगा, इस पर भी क्वेश्चन है ना NCERT। देखिए यहाँ पे रिंग है उसके ऊपर NH2, ये क्या होता है एनिलीन, बट यहाँ पे क्या आ गया NO2 और कौन सी पोजीशन पे है मेटा, क्योंकि हमें मेटा का ही प्रिपेयर करना है, देन मेन क्या है मेटा नाइट्रो एनिलीन। अब प्रेजेंस किसकी होगी, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, टेम्परेचर इज 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, बनेगा क्या स्टूडेंट यहाँ ये जो रिंग है, अब एक है तो यहाँ पे है दूसरा यहाँ से आ जाएगा N2 और यहाँ से क्या आ गया HS4 NO2 बेटा दिखाई। नेक्स्ट पे क्या होगा, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और फिर से बॉइल कर रहे हैं, देन क्या बना मेटा नाइट्रो फिनोल, ये NO2 तो है ही, इस सारे को रिमूव करके और क्या लग गया OH, क्लियर।